जय हिंद एवरीवन वेलकम टू रॉल्स एजुकेशन रॉल्स एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है एंड डू कंफर्म दैट आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू प्लीज कंफर्म करें कि मेरी आवाज आप लोगों तक तो अच्छे तरीके से पहुंच पा रही है आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज कंफर्म करें मुझे आपके मैसेजेस नहीं मिल पा रहे हैं प्लीज एक बार बताएं कि ओके आकांक्षा हिंद अंशिका सालू जय हिंद एंड चलिए मोस्ट वेलकम एट रॉयल एजुकेशन चलिए शुरू करते हैं भोज के बारे में पढ़ना मैंने उसी दिन बताया था कि भाई जब परमारों में पढ़ेंगे तो भोज जो है भोज सबसे इनका महान राजा है परमारों का आप चाहे परमार कह लो या पवार कह लो या पवार कह लो ये सारे के सारे एक ही हैं जगह जगह पे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है परमार पवार पवार सब एक है ठीक है तो अब देखो भोजों के बारे में हम जानते हैं तो मैंने आपको बताया था इनके पिता जो थे थी, इनके पिता थे भाई सिंधु राज तो सिंधु राज के बेटे थे परमार एंड uh, सिंधु राज के बेटे थे हमारे भोज अभी जो भोज जो है वो अपनी गद्दी पे जब बैठे हैं तो आप देख लो कि इन्होंने अपने राज्य का एक्सटेंशन खूब ज्यादा कराया है अगर मैं आपको दिखा दूं कि कितना एक्सटेंशन कराया है तो देखो कि किंगडम ऑफ किंगडम ऑफ भोज भोज परमार ये देखो अगर हम इनके किंगडम की बात करें तो एक बार इसी को खोल लेते हैं भोज को और एक्सपेंशन देख लो कहां से कहां तक है. Just wait a minute. <coughs> का है जस्ट वेट अ मिनट ये है भोज ये मध्य प्रदेश का भोजपर भोजेश्वर टेम्पल है ठीक है चित्तौड़गढ़ फोर्ट है चित्तौड़गढ़ फोर्ट के पास भी यहां पे। चलो ठीक है कोई बात नहीं तो यहां पे देखो कि अगर हम पूछे कि भाई कहां से कहां तक इनके शासन का प्रभाव मतलब कहां से कहां तक इनका शासन एक्सटेंडेड था तो भोज का शासन देखो बहुत ज्यादा ही एक्सटेंडेड था कहां से कहां तक ही एक्सटेंडेड परमार्स किंगडम परमार के किंगडम को चित्तौड़ इन द नॉर्थ नॉर्थ में चले जाओ कहां तक चित्तौड़ तक चित्तौड़ ठीक है राजस्थान एंड अपर कोंकण इन द साउथ और नीचे में कोंकण तक महाराष्ट्र के कोंकण तक एंड फ्रॉम द साबरमती रिवर इन द वेस्ट वेस्ट में पश्चिम में साबरमती तक एंड विदिशा विदिशा इन द ईस्ट विदिशा तक मतलब कि काफी लंबा चौड़ा इनका शासन था इनके शासनकाल में परमारों ने उत्तर में चित्तौड़ से लेकर दक्षिण के ऊपरी कोंकण तक पश्चिम में साबरमती नदी से लेकर के पूर्व में विदिशा तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया है यू कैन अ लुक एट दिस मैप इस मैप को आप देखें आपको समझ में आ जाएगा यहां पे यह रहा पवार तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं कैन वी डू इट ये देखो ठीक है तो आप देख लो चलो भुवनेश्वर नासिक यहां पे कोंकड़ मतलब काफी नीचे तक आए हैं यहां पे इनका दिया नहीं गया है डोंट वरी बस आप ये हिस्से याद कर लेना कि भाई कहां से कहां तक कहां से कहां तक इनके शासन का प्रसार है तो चित्तौड़ इन द नॉर्थ उत्तर में चित्तौड़ राजस्थान नीचे साउथ में कोंकड़ महाराष्ट्र का जो कोंकड़ है ठीक है एंड फ्रॉम द साबरमती रिवर इन द वेस्ट साबरमती के संत मतलब गुजरात और फिर इधर विदिशा विदिशा कहाँ है आपके एमपी में तो यहां तक इनका प्रसार था काफी लंबा चौड़ा प्रसार था ठीक है आंसर में मैप राइटिंग का बहुत अच्छा इफेक्ट होता है अगर आप मैप बना सकते हैं किसी जगह को आप आंसर राइटिंग में मैप में दिखा सकते हैं तो वो एकदम मतलब कि Uh, सोने पे सुहागा है इट्स वेरी गुड इफ यू आर राइटिंग ऑफ परमेश्वर परम भट्टारक विच इज कंसिडर्ड टू बी आइडेंटिकल टू द टाइटल ऑफ परमार देव अब यहां पे देखो कि इसने भोज को सबसे महान बताया जाता है इसके टाइटल से ही पता चलता है क्या क्या इसने टाइटल लिया है इसका टाइटल था परमेश्वर परम भट्टारक उसके बाद से और भी कई सारे हैं मैं सबके नाम लिख देता हूं त्रिभुवन नारायण क्या है त्रिभुवन नारायण त्रिभुवन नारायण उसके बाद से और क्या है कविराज कविराज क्योंकि खुद से पोएट थे कविराज कवि कवि कविवांधव ठीक है मालव चक्रवर्ती मतलब मालवा के परमार हैं ठीक है तो मालव चक्रवर्ती चक्रवर्ती और परमेश्वर परमेश्वर तो मैंने आपको बता ही दिया तो ये सब इनके आ, इनके सरनेम थे यहां पे भी आप लिख सकते हैं यहां पे इनके आ, उपाधियों में आप देखो त्रिभुवन नारायण त्रिभुवन नारायण कविराज बिकॉज ही वॉज अ ग्रेट पॉइंट कवि बांधव कवि बांधव उसके बाद से मालव चक्रवर्ती मालो चक्रवर्ती ये सब कई सारे इनके टाइटल्स हैं ठीक है ये सब देन मैनी ऑफ द हिस्टोरियन सेल्स देखो इनका टाइम पीरियड देखो 1010 से लेकर के 1055 तक यानी कि दिस इज द सेम टाइम या सेम समय है जब वहां पे भारत में किसने गजनवी अटैक्ट गजनवी attacked इन in इंडिया attacked इन in इंडिया कब से कब तक 1001 से लेकर के 1026 तक यानी कि गजनवी ने इनके समय में ही भारत पे आक्रमण किया था ठीक है यहां पे हम लिख सकते हैं गजनवी का आक्रमण ठीक है गजनबी का आक्रमण क्लियर इज डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड पेट्रॉटिज्म नहीं व्हाट इज द डिफरेंस पेट्रियॉट का मतलब ही जो देशभक्त हो देर इज नो डिफरेंस अगर आप कहीं शब्द से जान के आए हैं तो फिर वो मुझे बताइए अदरवाइज मेरे हिसाब से तो कोई डिफरेंस नहीं है गुड इवनिंग अक्षिता जय हिंद ठीक है सारे के सारे टाइटल थे ये सालों अब देखो अकॉर्डिंग टू सम मेडिवल मुस्लिम हिस्टोरियंस आफ्टर सैकिंग सोमनाथ महमूद ऑफ गजनी महमूद ऑफ गजनी चेंज हिज रूट टू अवॉइड कंफेंट्रेशन हिंदू किंग नेम परमार देव या फिर परमदेव कहा जाता है कि वन ही वॉज डिफी ये हमारा जब सोमनाथ का लुटेरा सोमनाथ का सोमनाथ को भी लूटा था ठीक है सोमनाथ को भी लूटा था मोहम्मद गजनी ने या फिर गजनबी ने मोहम्मद अब गजनबी ने ठीक है तो उसने क्या किया कि अपना रास्ता बदल दिया था 1025 में वेरी गुड कई बार लूटा है तो इसने रास्ता बदल दिया था अपना ताकि उसका सामना न हो 1094 नहीं है भाई 1094 कैसे होगा मैं ऊपर ही लिख दिया हूं 1001 से लेकर के अटैक हुआ है कब तक 1001 से लेकर के 1026 तक ठीक है हां 1026 तक परमार हैं ये अच्छा नहीं देर इज नो डिफरेंस कश्यप बिल्कुल सो so, अब देखो तो 1001 से लेकर के 1026 तक का है ये चलो तो यहां पे, तो महमूद गजनी ने गजनवी ने वही गजनी के महमूद या महमूद गजनवी ने परम देव नामक एक हिंदू राजा के साथ टक्कर से बचने के लिए ही चेंज हिज वे उसने अपना रास्ता बदल दिया था अपना मार्ग बदल दिया था मतलब जरा सोचो कि ये कितना पावरफुल था कि गजनबी को पहले पता चल गया कि भाई उधर जो है भोज है तो भोज से नहीं लड़ना है ठीक है तो रास्ता बदल दिया अच्छा कई सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं एक मिहिर भोज है मिहिर भोज प्रतिहारों का सबसे सबसे शक्तिशाली शासक है प्रतिहारों का और ये परमार भोज है ठीक है हाँ, राजा भोज से नहीं लड़ने के लिए उसने रास्ता चेंज कर दिया जाता है यह भी माना जाता है कि भोज ने गजनवी के खिलाफ शाही शासक आनंदपाल आनंदपाल जो है वो उस समय सिंध वाले एरिया में थे सिंध वाले एरिया में थे आनंदपाल कौन थे शाही शासक थे उनको गजनवी से लड़ने के लिए क्या किया था भोज ने अपनी सेना भी भेजी थी ठीक है ओके वेरी गुड अभी नेक्स्ट क्लास ना गजनवी गजनवी बाद में आ रहा है तो मैं आप लोगों को गजनवी के अटैक के बारे में भी पढ़ा दूंगा अगले क्लास में ठीक है ताकि ये डाउट ही ना रहे कि कब अटैक किया कहा जाता भाई परमार भी लड़े थे हर एक लोग उससे लड़े हैं तो गजनवी के अटैक के बारे में पढ़ ही लेंगे हम लोग ठीक है ओके okay. और यह सेम है यह जो पेज है भैया हमारा सेम है तो इस पेज को पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है यह डुप्लीकेसी हो गई है दो बार यह पेज लग गया सो so अराउंड 1043 ही मे हैव आल्सो बीन अ पार्ट ऑफ हिंदू अलायंस दैट एक्सप्लेन्स महमूद्स गवर्नर्स फ्रॉम हांसी थानेसर एंड अदर एरियाज अराउंड उसके बाद कहा जाता है कि 1043 में जो महमूद गजनवी बना के गया था और थानेसर में ठीक है थानेसर में मोहम्मद गजनी ने अपना अपना किसी सामंत को रख दिया था तो इन कई सारे हिंदू राज राजाओं ने एक ग्रुप बनाया और उसको भगा दिया था से ठीक है भगा दिया था ठीक है मैं अभी एक पेज ले करके तुरंत ही राइट करूंगा डोंट वरी ठीक है अभी एक पेज लेकर राइट करता हूं क्योंकि मुझे खुद ही लिखने हैं जो कि जो मैं लिखता हूं कई सारी चीजें नहीं होती हैं तो इसलिए हम थोड़ा सा जब ये इतना महान राजा है तो थोड़ा इसके युद्ध वगैरह के बारे में भी लिख दिया जाए 17 टाइम अटैक्स किया था हां नेक्स्ट में हम पढ़ लेंगे ठीक है नेक्स्ट में हम गजनवी के बारे में पढ़ेंगे अभी देखो इसके भोज के बारे में पढ़ते हैं तो यहां पे देखो मिलिट्री सक्सेसेस हम लिखते हैं मिलिट्री सक्सेसेस ठीक है तो हम लिखेंगे भोज का भोज के सैन्य अभियान ठीक है भोज की सैन्य सफलताएं देखो ये बहुत चालाक भी था वट ही डिड इसने क्या किया कि एक ग्रुप बनाया ठीक है इसने एक ग्रुप बनाया ग्रुप किसके साथ मिलके बनाया भाई ओके हाँ तो यहां पे लिखेंगे कि ही मेड अ कॉन्फेडरेशन यहां पे लिखते हैं ही मेड अ कॉन्फेडरेशन कंफेडरेशन विद विद राजेंद्र चोल राजेंद्र चोल एंड राजेंद्र चोल के साथ और और किसके साथ ये कंफेडरेशन बनाया है किसके खिलाफ बनाया है एनीवन बताइए ठीक है राजेंद्र चोल एंड गंगे देव गंगे देव कल्चुरी गंगे देव कल्चुरी एंड फाउट विद दिस हेल्प विथ दिस कन्फेडरेशन कंफेडरेशन ही डिफीटेड ही डिफीटेड किसको हरा दिया था उसने सिद्धराज टू सिद्धराज टू ऑफ चालुक्या चालुक्यों को इसने हरा दिया था कंफेडरेशन बना के ठीक है ओके ही फाउट ही फाउट मैनी वॉर चलो पहले यही बात हम लोग लिख लेते हैं तो यहां पे लिखो कि भोज ने भोज ने राजेंद्र चोल एवं गंगे देव जहां पे डाउट होगा पूछेंगे आप लोग अब देखो मैं वहां तो हमारे यहां पे भाई ऐसी <laughs> मुझे खुद इतना पसीना हो रहा है और मैं फ़ैन तेज़ नहीं करता क्योंकि फ़ैन इतना फास्ट है कि आप लोग जो हैं इसकी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे तो इसलिए पसीना बेहतर रहता है राइट एसी मेघा के रूम में है तो कौन जाएगा भाई उसमें तो इसलिए भैया स्टूडियो अपना जो है उसमें फ़ैन ही है और इसको भी वन पे चलाना पड़ता है ठीक है तो ही डिफीटेड सिद्ध राज टू ऑफ चालुक्य नहीं बहुत ज्यादा एक्चुअली जो फैन है बहुत ज्यादा आवाज करेगा तो मैं वन पे चलाता हूं फैन अब इसीलिए पूरा पसीना एकदम देखो बहते रहता है आप लोगों को सुनाएगा नहीं सो भोज ने राजेंद्र चोल एवं गंगे देव कलचुरी 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 के साथ मिलकर एक संघ बनाया एवं अपने शत्रु एवं अपने शत्रु क्या है शत्रु इसके कौन है भाई अपने शत्रु चालुक्य शासक चालुक्य शासक सिद्धराजदूतीय को सिद्धराजदूतीय को हराया देखो एकदम ग्रुप बना के और उसके बाद से हराया है क्लियर है हाँ देन भाई ठीक है ओके देन ही डिफीटेड ही डिफीटेड मैनी ऑफिस मैनी ऑफिस निबरिंग ठीक है निबरिंग निबरिंग किंगडम्स कई सारे पड़ोसी राज्यों को इसने हरा दिया था और क्या किया भाई हाँ, एक मिनट डिफीटेड दिख रहा है आपको या वीडियो रुकी हुई है बताइए दिख रहा है या वीडियो रुकी हुई है क्लियर है वीडियो है ओके वेरी गुड वेरी गुड मेरे साइड से रुकी हुई है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है ठीक है हम्म डिफीटेड ही डिफीटेड एंड रैनसेक्ट इंद्रनगरी इंद्रनगरी उड़ीसा उड़ीसा को भी इसने एकदम लूट करके तबाह कर दिया था इसने कई सारे पड़ोसी राजा पड़ोसी राज्यों को हराया कई सारे पड़ोसी राज्यों को हराया एवं इंद्रनगरी इंद्रनगरी पर विजय हासिल कर हासिल कर उसे तहस नहस कर दिया तहस नहस कर दिया था तहस नहस कर दिया था उसके बाद से और क्या किया भाई कॉलचूरियो पे भी दोबारा से हराया ठीक है हाँ देन अगेन ही देन अटैक्ड अब ये जो इसका साथ दिया था उसको भी अटैक करके हरा दिया ही देन अटैक्ड ही देन अटैक्ड चेदी राज चेदी राज गंगे दे गंगे देव यहां पर लिख लो कल्चुरी कल्चुरी एंड हिम तो इतना बार बार अटैक करेंगे जो साथ दिया है वो वाले क्या करेंगे वो भी अटैक कर देंगे किसी के और के साथ मिलकर के ठीक है हां ही देन अटैक छेदीराज गंगेदेव कलचुरी एंड डिफीटेड हेम उसके बाद उसने गंगे दे, देव कलचुरी यहां पर लिख लो चेदी राज चेदी के किंग थे को भी युद्ध में हरा दिया लेकिन सिर्फ भाई जीता ही नहीं है कई सारे ये युद्धों को हारे भी है किसने किसने किसके किसके पास इनको सफलता नहीं मिली है तो यहां पे लिख लीजिए ही वॉज हां ही वॉज अनसक्सेसफुल वन मिनट

कक्षप घात ऑफ ग्वालियर्स इन लोगों के खिलाफ ये हारा था मतलब ये आपके जो कछवाहे राजपूत होते हैं कछवाहे वो ठीक है हाँ एंड परिहारास प्रतिहार्स ऑफ राजकूट प्रतिहार्स ऑफ कन्नौज कन्नौज के प्रतिहारों के खिलाफ भी यह हार गया था ठीक है हम्म दो ही गॉट विक्ट्री अगेंस्ट चौहान ऑफ शाकंभरी शाकंभरी के जो चौहान थे सांबर झील के पास वाले उनसे यह जीता था शाकंबरी हाँ बट वॉज डिफीटेड बट वॉज डिफीटेड डिफीटेड बाई चौहान ऑफ नंडल्स ऑफ नंडल चौहान्स ऑफ नड्डल जहां पे डाउट होगा तुरंत पूछना है हाँ, तेनाली राम भी था ना तेनाली राम इनके शासन में नहीं थे तेनाली कृष्ण देव राय के शासन में थे अजय तेनाली कृष्ण देव राय के शासन काल में थे और देव राय जो है वो आंध्रा से संबंधित है ठीक है से संबंध आव, वो संबंधित है आ, बहुत लेटर पीरियड में ठीक है चलो ही वॉज अक्से अनसक्सेसफुल इन वॉर अगेंस्ट चंदेल्स कक्षप घात ऑफ ग्वालियर प्रतिहार्स ऑफ कन्नौज तो यहां पे लिखेंगे कि वह चंदेलो वह चंदेलो ग्वालियर के कक्षप घातो कक्षप घातो कन्नौज के आकांक्षा जो आपके पास मटेरियल है उसमें यह बात लिखा है कि कन्नौज के राष्ट्रकूट वो उस चीज को सही कीजिएगा कन्नौज के प्रतिहार होगा ठीक है द हिंदी मेटेरियल उसमें लिखा है कन्नौज के राष्ट्रकूट उसको सही करेंगे आप ऐसा नहीं कि वो उसमें कई सारी गलतियां भी हैं तो जरूर पूछिएगा ठीक है कन्नौज के प्रतिहारों जहां पे भी डाउट हो कन्नौज के प्रतिहारों के खिलाफ असफल रहा असफल रहे ठीक है हालांकि इन्होंने शाकंबरी के चौहानों को शाकंबरी के चौहानों को हरा दिया चौहानों को हराया लेकिन लेकिन नड्डल के चौहानों से हार गए नड्डल के चौहानों से हार गए नड्डल नडफल नहीं नड्डल नड्डल के चौहान बताइए नड्डल भी राजस्थान में ही है यहां पे एक मिनट मैं एग्जैक्ट लोकेशन बता देता हूं नड्डल क्या हो रहा है नड ना, नाडोल नडल नहीं है नाडोल की चौहान है <laughs> नाडोल जो है ठीक है अभी नाडोल है नाडोल नाडोल आ, वहीं पे है आपके राजस्थान में ही है नाडोल जो है वो राजस्थान में ही है जिला पाली जिला है ना राजस्थान में कौन है वहां से हु नाडोल है नाडोल झाडोल नहीं नाडोल पाली जिले में डिस्ट्रिक्ट पाली सुना है पाली बताइए एनीवन नाडौल इन पाली डिस्ट्रिक्ट बोलिए एक मिनट राजस्थान में है कि एमपी में है नाडौल राजस्थान में ही है ठीक है पाली डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान में ही है अजय आपको पता है नाडोल इन राजस्थान ओके आप जयपुर के पास से हो राजस्थान में वेरी गुड तो ना इनको नाडोल या नड्डल के चौहानों ने हरा दिया था वेरी गुड आशापुरा माता का वेरी गुड हाँ हाँ आशापुरा का माता वाला मंदिर है नाडोल के चौहानों से हार गए देन हम देखते हैं लेकिन सबसे बड़ी इनकी गलती कौन सी थी सबसे बड़ी गलती कौन सी थी चेदी राज को हराना ठीक है सबसे बड़ी गलती है इनकी चेदी राज को हराना ओके देन चौहान चालुक्या किंग चालुक्या किंग भीम देखो चालुक्यों को हराया था इसने किसको मिलाकर के राजेंद्र चोल को मिलाकर के और ये सिद्ध दूतीय चालुक्यों को हराया था अब चालुक्यों ने क्या किया कि यहां पर चाणक्य नीति अपनाई और क्या किया कि तुरंत ही चालुक्या किंग भीम क्या नाम है भीम ने चालुक्या किंग भीम मेड अलायंस Alliance with Kalchuri Kalchuri King Kurd Kurd huh? and attacked for attacked Bhoj Kingdom. from two sides, from two sides, कौन कौन सी जगह है भाई फ्रॉम टू sides, ईस्ट एंड वेस्ट जैसे ये ग्रुप बना के हराए थे तो दोस्तों के तो साथ रहते बट दोस्तों ने दोस्तों के ये साथ भाई नहीं रहे तो इसमें हा so, अब uh, कलचुरी कलचुरी के राजा गंगे देव को इसने हरा दिया था कलचुरी ये गुस्से थे पहले से तो उन्होंने चालुक्यों से हाथ मिला लिया अब दो दोस्त दुश्मन एक साथ मिल गए तो इनको हारना ही है तो यहां पे देखो लिखो कि चालुक्य राजा भीम ने चालुक्य राजा भीम ने कलचुरी राज कर्ण के साथ संधि कर ली और भोज पर भोज पर दो दिशाओं से आक्रमण कर दिया दो दिशाओं से आक्रमण कर दिया ठीक है आक्रमण कर दिया ठीक है यहां पे लिखते हैं ड्यूरिंग वॉर भोजा वॉज भोज वॉज डिफीटेड he fell ill he fell ill and Died मर गया बेचारा कब तक tak in जीरो ad फाइव ए तो यहां पे हम लिखेंगे कि युद्ध के दौरान युद्ध के दौरान भोज की हार हुई इस कारण से इस कारण से बीमार हो उनकी मृत्यु हो गई उनकी मृत्यु मृत्यु भाई कब हो गई है मृत्यु वन जीरो डबल फाइव में हो गई बताइएगा में हो गई ठीक है तो ये है पूरी कहानी भाई कि इधर कैसे इनको हराया गया है अब देखो ही वॉज वेरी गुड कहीं पे किसी को डाउट है बिल्कुल चालुक्य ने इसका साथ दिया फिर धोखा क्यों दिया भोज को चालुक्य ने थोड़े ना साथ दिया चालुक्य के साथ के साथ तो दुश्मनी थी चालुक्यों को तो यह हराया था कलचुरियों को मिल करके कलचुरियों से मिल करके और चो राजेंद्र चोल के साथ मिल करके अंशिका अंशिका ठीक है तो भाई पहले ही वो हरे हुए थे सब चालुक्य पहले से गुस्से में थे सोमेश्वर ने एक बार और इनको हराया था क्लियर अब बाद में इन्होंने जो अपना दोस्त था दोस्त को इन्होंने धोखा दिया ठीक है दोस्त को इन्होंने धोखा दिया कलचुरिये इनके दोस्त थे दोस्तों को इन्होंने धोखा दे दिया तो जब धोखा दे दिया तो वो गुस्से में बैठे थे चालुक्यों के साथ दोस्ती करी इनके ऊपर अटैक कर दिया हाँ ठीक है बिल्कुल तो इन्होंने धोखा दिया था वो सब तो खाली बदला ले रहे थे अपना <laughs> वो सब तो काली बदला ले रहे थे चलो तो यहां पे भाई इनके मरते ही नहीं हिंदी मीडियम का कौन सा कॉलम एक्सचेंज किया है ओके कोई बात नहीं ठीक है मैं भूल गया था चालुक्य के राजा भीम ने कलचुरी राज कर्ण के साथ संधि कर ली और भोज पर दो दिशाओं से आक्रमण किया युद्ध के दौरान भोज की हार हुई और इस कारण बीमार हो गए और उनकी मृत्यु 1055 हजार ईस्वी में हो गई ठीक है हाँ अरे कोई बात नहीं भाई हिंदी इंग्लिश हो गया तो हो गया हो गया तो हो गया कोई बात नहीं क्या है कभी कभी हिंदी वाले भी देख लें इधर ऐसा बात नहीं है कि इंग्लिश वालों को ये फील होता होगा कि सर हमारे साइड में बैठ जाते हैं कभी हिंदी वाले की भी साइड में बैठ जाए <laughs> क्लियर है अब लिखते समय मैं <laughs> सो चालुक्य राजा मैं बोल दे रहा हूं चालुक्य राजा भीम ने कलचुरी राज कर्ण के साथ संधि कर ली और भोज पर दो दिशाओं से आक्रमण किया युद्ध के दौरान भोज की हार हुई इस कारण से बीमार होकर उनकी मृत्यु एक हजार पचपन ईस्वी में हो गई ठीक है एक हजार पचपन ईस्वी में हो गई ही इज कंसिडर्ड अ राइटियस स्कॉलर किंग अ पॉलीमैथ पॉलीमैथ का मतलब बहरूपिया नहीं विभिन्न विषयों में विद्वान विभिन्न विषयों में विद्वान थे ठीक है बहुत ही विद्वान राजा था विभिन्न विषयों में विद्वान थे ठीक है हिज राइटिंग कपल्स वाइड वेराइटी ऑफ सॉप टॉपिक्स कई भाषाओं में कई चीजों पे इन्होंने लिखा है नहीं नहीं फैन चल रहा है बट वन पे चल रहा है आकांक्षा द फैन इज रनिंग बट वन पे चल रहा है लेकिन गर्मी ये देख रहे हो पूरा लग रहा है जैसे बाल्टी से बाल्टी से पानी डाल दिया गया हो अब करते रहते हैं क्या है ठीक है हाँ चलो तो अभी देखिए अभी देखिए, हिज राइटिंग्स कवर अ वाइड वेराइटी ऑफ सच टॉपिक ग्रामर पे पॉलिटी पे आर्किटेक्चर पे योग पे केमिस्ट्री पे खुद से इतना ज्यादा इन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी क्लियर बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की थी अब इनकी कुछ रचनाओं को मैं अगले पेज पे लिख देता हूं ठीक है वो मतलब इनकी राइटिंग्स क्या क्या है इनको मैं कुछ अगले पेज पे लिख देता हूं भोज की रचनाएं तो हम लिखेंगे इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ भोज भोज की रचना है ठीक है क्या कौन कौन सी भोज की रचनाएं हैं तो हम लिखेंगे श्रृंगार प्रकाश भोज की रचनाएं क्या क्या भोज की रचनाएं हैं भाई क्या क्या है श्रृंगार प्रकाश देखो श्रृंगार श्रृंगार प्रकाश और क्या है प्राकृत व्याकरण देखो व्याकरण के ऊपर इन्होंने लिखा है प्राकृत व्याकरण ठीक है देन कुंभ शर्तक श्रृंगार मंजरी क्या है क्रुम शर्तक क्रुम शतक श्रृंगार मंजरी क्रुम शतक श्रृंगार मंजरी और क्या है भोज चमुह भोज चमु भोज चमुह चमु है और कृत्यकु या तत्व प्रकाश तत्व प्रकाश ज्यादा नहीं लिखाएंगे डोंट वरी है तो हमारे पास बहुत सारे तत्व प्रकाश शब्दानुशासन शब्दानुशासन शब्द अनुशासन और लास्टली राज राजमृगांक राज मृगांक आदि ये सब इनके वर्क है ठीक है यूनिवर्सिटी कहां होती थी आकांक्षा उस समय वहां पे अब भाई राजा के पुत्र थे तो कई सारे ब्राह्मण इनको घर पे ही पढ़ाते थे तो पढ़ते 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 पढ़ते, पढ़ते इनको मन लग गया अब युद्ध करना चूंकि राजा के घर से थे तो युद्ध करना इनका काम था और देखोगी कि जितने भी इस प्रकार के महान होते हैं ना दे आर वेरी गुड इन स्टडीज दे आर वेरी गुड इन वॉर वैसे ही मिहिर भोज उधर था समुद्रगुप्त खुद बीड़ा बजाता था खूब बढ़िया आर्ट्स में था चंद्रगुप्त तो जितने भी योद्धा होते हैं जो काफी अच्छे प्रशासक हो वो काफी अच्छे इन सारी चीजों में भी रुचि लेते हैं केमिस्ट्री भी है हाँ गुरुकुल वगैरह में पढ़ा होगा तो यहां पे हम लिखेंगे श्रृंगार प्रकाश हां श्रृंगार प्रकाश प्राकृत व्याकरण हमारी भी रुचि कई विषयों में है प्राकृत व्याकरण मैं अगर कुछ ना करूंगा तब भी कुछ ना कुछ करते रहता हूं व्याकरण और उसके बाद से देखो कुर्म शतक कुर्म शतक श्रृंगार मंजरी ठीक है हम लोग जीएस के लिए पढ़ रहे हैं या ऑप्शनल सर जी इतने सारे फैक्ट्स देखो मैं फैक्ट आपको नहीं दे रहा हूँ मैं एक मिनिमम मोस्ट कोई पढ़ाने के लिए अब आप चाहे जीएस सिर्फ जीएस के लिए जीएस आप प्रिलिम्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं ना यू आर स्टडिंग फॉर द जी एस तो जी वाले में जी वाले में आ, अधिकतर मॉडर्न आता है मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है राइट right? शायद चेक करना कि क्या ये भी है मेडिकल भी है क्या वहां पे ठीक है चेक करो कि जीएस वन में क्या क्या है मैं जो आपको पढ़ाता हूं कंप्लीट पढ़ाता हूं मेरा मैं क्रैश कोर्स नहीं कराता कि भाई प्रीलिम्स जो है <laughs> प्रीलिम्स तक निकल जाएगा या राइट कुछ कुछ ये ठीक है हाँ श्रृंगार मंजरी शब्दानुशासन ऑप्शनल में कुछ नहीं है ऑप्शनल में बहुत कुछ है इससे ज्यादा शब्दानुशासन मैंने ऑप्शनल रखा था बहुत ज्यादा है ऑप्शनल में राज मृगांक एटसेट्रा वैसे तो आप सोचोगे कई सारे लोग से क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाती है मॉडर्न हिस्ट्री 20 क्लास में खत्म हो जाती है हमारी अस्सी क्लासेस हो चुकी हैं तो उसके बारे में क्या कहेंगे ठीक <laughs> है चलो तो ये सब इनके वर्क्स थे अच्छा देखो देन ही पैटर्नाइज द आर्ट्स लिटरेचर एंड संस्कृत ही एस्टेब्लिश द भोजशाला देखो कितने अच्छे थे कि इन्होंने भोजशाला नहीं नहीं मैं डरा नहीं रहा हूं मैं डरा नहीं रहा हूं हिस्ट्री वगैरह हिस्ट्री जोग्राफी लेना बेस्ट है हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिकल साइंस ये आपको ऑप्शनल लेना बेस्ट है क्यों क्योंकि एक ही बार में सब पढ़ लिए जीएस वन जीएस टू भी पढ़ लिए इधर प्रिलिम्स भी पढ़ लिए ऑप्शनल भी पढ़ लिए राइट right? कोई नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना आप सो ही एस्टेब्लिश द भोज शाला विच वॉज अ सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज एंड अ टेम्पल ऑफ सरस्वती इन प्रेजेंट डे धार इन्होंने क्या किया है भाई कि एक भोजशाला बनवाई है भोजशाला विच वॉज अ सेंटर फॉर संस्कृत स्टडीज जहां पर संस्कृत की पढ़ाई होती थी और सरस्वती का मंदिर था धार में वेरी गुड ये बहुत अच्छा है क्लियर वेरी गुड अब देखो ही टू ये है और भोजेश्वर टेम्पल इन्होंने बनाया है भोजेश्वर टेम्पल हमारे भोजपुर में है कहां भोजपुर बिहार भोजपुर नहीं मध्य प्रदेश एमपी में है शायद देखना तो भोजपुर कहां है मध्य प्रदेश में है तो भोज भोजेश्वर टेम्पल बनाया है ही इज ऑफन कंपेर्ड टू द फेवर विक्रमादित्य विक्रमादित्य से भी वो विक्रमादित्य राजा जो शकों को हराया था इससे इनकी हमेशा तुलना की जाती है ठीक है इन हिज कोर्ट देर वर सो मेनी बहुत सारे विद्वान थे हा इन हिज कोट इन हिज कोट there were there were so many in his court there were so many poets and scholars scholars like क्या क्या नाम थे भाई भास्कर भट दामोदर मिश्र धनपाल भास्कर भट्ट दामोदर मिश्र दामोदर मिश्र एंड धनपाल तो लिखो कि उसके राज्य में उनके राज्य में कई सारे कवि एवं विद्वान थे जैसे भास्कर भट्ट दामोदर मिश्र एवं धनपाल आदि देखो मैं क्या कह रहा हूं तो यह हो गया पूरा का पूरा भोज के बारे में अब भोज का जो सेना भोज का जो बेटा है भोज सन वॉज नेम जयशिम्मा वन भोज के बेटे का नाम था जयशिम्मा वन वन जीरो डबल फाइव से लेकर वन जीरो सेवन जीरो तक इसने राज किया था ठीक है हां इसके समय में कलचुरी एंड सोलंकी इन्वेजन हुए थे तुरंत भोज के डेथ के बाद ठीक है उसके बाद से बिलहन के बिलहन के लेखन से पता चलता है कि ये जयशिम्मा वन ने मदद मांगी थी ठीक है साउथ हेल्प फ्रॉम द चालुक्य किसने जयसिम वन ने जयसिम प्रथम ने चालुक्य कल्याणी के चालुक्यों से मदद मांगी थी जय सिम प्रथम फर्स्ट साउथ हेल्प ठीक है तो यहां पे उन्होंने चालुक्यों के मतलब यहां पे लिख लो जय सिम एक ने कल्याणी के चालुक्यों से मदद मांगी थी इनके ऊपर कलचूरी एंड सोलंकी सोलंकी हैं गुजरात के गुजरात के और कलचूरी दोनों राजपूत ही होते हैं ठीक है तो इन्होंने इनके ऊपर बार बार अटैक किया था धीरे धीरे इतने सारे अटैक की वजह से इतने सारे अटैक की वजह से धीरे 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 हम देखते हैं कि ये हमारे कमजोर हो गए ठीक है ओके okay. दूसरा नागपुर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन नागपुर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन 1105 जीरो फाइव का है उसमें इस जयसिम वन के बारे में लिखा है ठीक है कि उसने कई सारे सैन्य विजय भी किए थे एंड धीरे धीरे दे बिकेम वीक एंड इनका धीरे 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 खत्म हो गया क्लियर तो यहां पे आज हमने भोज के बारे में पढ़ लिया नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा गजनवी के बारे में क्योंकि गजनवी के बारे में आप लोग पढ़ते रहते हैं बट कॉन्क्रीटली कहीं से नहीं पढ़ते हैं। तो गजनवी के बारे में हम लेके आएंगे ठीक है हा अरबों की सिंध विजय से पहले हम गजनवी के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग सिर्फ सुनते रहते हैं गजनवी ने यहां अटैक किया प्रतिहारों को हराया चंदेलों के समय यहां पे वहां पे लेकिन पढ़ाई में कहीं नहीं पढ़ते हो राइट कि एक चैप्टर गजनवी के ऊपर हो तो गजनवी के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे ठीक है चलिए सो थैंक्स एवरी वन थैंक्स जय हिंद कल बिल्कुल वही हमारी नॉर्मल क्लासेस होंगी और आ, मैं देख लेता हूं मैं देख लेता हूं कि जो है हमारे आ, ठीक है हमें इसी से वेरी गुड ठीक है चलो तो मैं देख लेता हूं अगर और सैटरडे संडे को हम लोग क्या पढ़ते हैं सैटरडे संडे को हम लोग पॉलिटी एंड एनवायरमेंट पॉलिटी इनवायरमेंट और अगर साइंस की क्लास आदित्य ओझा सर नहीं लेंगे ठीक है तो जो पॉलिटी एंड एनवायरमेंट अगर वो साइंस की क्लास नहीं लेंगे तो फिर हम ही उस क्लास को पूरा करेंगे ठीक है तो सैटरडे संडे में हम तीन क्लासेस करेंगे जैसे अभी तीन हो रही है वैसे दिन के समय में भी मेरी छुट्टी होती है तो एक इन्वायरमेंट होगी एक पॉलिटी होगी एंड लेट नाइट में साइंस भी होगी ठीक है ऐसा नहीं कि आधा छोड़ दिया जो शुरू किया है वो खत्म करना है क्लियर है चलिए सो थैंक्स एवरीवन थैंक्स एंड जय हिंद तो मैं भाई अब वो मेरा साइंस तो नहीं है बट मैं ठीक ही पढ़ा दूंगा आपको आप लोगों ने क्लासेस की भी हैं नहीं क्वालिटी तो हंड्रेड परसेंट लंबे रखेंगे वैसे हमारा इन्वायरमेंट खत्म होने वाला है डोंट वरी एन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा तो वहां पे साइंस बिल्कुल शेट कर देंगे साइंस एक साथ चलते रहेगा ठीक है चलिए एवरीवन थैंक्स एंड जय हिंद